साल पहले की बात है, और फिर जब दो हो ये फिर गिरा है, कल ही हमको पता चला है कि तुरंत हमने विभाग के सब लोगों को कहा कि जाकर के देख लीजिए और तुरंत एक्शन लीजिए, नहीं हुआ हमको बड़ी तकलीफ है, और अब डिपार्टमेंट अब इस बात को देख लेगा। बिहार में ताश की पत्तों की तरह कैसे ये पुल धराशायी हो गया ये बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि तस्वीरें कभी झूठ नहीं कहती। जी हाँ, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भागलपुर के सुल्तानगंज खगड़िया को जोड़ने वाले उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में पिछले कई सालों से यह पुल बन रहा था। हालांकि यह दूसरा ऐसा मौका है जब पुल नदी में धराशायी होकर ताश के पत्तों की तरह गिर पड़ा। इससे पहले एक तेज आंधी की वजह से पुल का एक हिस्सा गिर चुका था, उस समय भी सरकार की बहुत किरकिरी हुई थी। इस पूरे मामले पर जब आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पुल को लेकर वो कठोर कदम उठाने वाले हैं और जांच आयोग बैठा दिए गए हैं, जांच के बाद तय हो जाएगा कि कठोर कार्रवाई किन पर की जाएगी। क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आइए हम आपको सुनाते हैं। जो हुआ है अभी कुछ समय पहले एक बार और हुआ था, उसी समय हमने कहा ऐसा क्यों हुआ, और जबकि हम इसको बनाने के लिए हमने बहुत पहले तय किया था, हमने 12 में ही देखा और 14 से काम शुरू हुआ, अब जिसको भी दिया गया है जैसे अब इतना देर क्यों हुआ, और ये गिर गया था तो उस समय भी हमने कहा था एक साल पहले की बात है, और फिर जब दो हो ये फिर गिरा है, कल ही हमको पता चला है कि तुरंत हमने विभाग के सब लोगों को कहा कि जाकर के देख लीजिए और तुरंत एक्शन लीजिए, ये कोई तरीका नहीं, अब तक तो हो जाना चाहिए था जी, 8 वर्ष समय बहुत हो गया है, देर हुआ है, तो काहे के लिए ऐसा कोई होता है, जो कोई बना रहा है इतना देर क्यों कर रहा है, लोगों नहीं नीचे जो कौन उठा रहा है दिया उसको तत्काल देखिए, और ठीक नहीं बना रहा है, हाथे में दे दो ना, अकेले आ रहा है, थोड़ा और मजबूती से बनना चाहिए था, बन करके और तैयार हो जाता, लोगों को कितनी खुशी थी, हम कितना पहले जा करके किस चीज को देख करके कराए हुए, लेकिन जो नहीं हुआ हमको बड़ी तकलीफ है, और अब डिपार्टमेंट अब इस बात को देख लेगा, हमारे उप मुख्यमंत्री को भी ये चीज की मालूम जानकारी है, ये सब लोग जल्दी से जल्दी जो नहीं करेगा तो अपनी तरफ से जितना भी जल्दी हो सकता उस काम को कराने कार्रवाई होगी सर, कार्रवाई होगी सर, कार्रवाई होगी सर, कार्रवाई होगी सर, तो रहे कल ही तो बोल दिए, जैसे ही हमको लोगों आगे कीजिएगा तो भी वैसे ही तुरंत हमने सबसे बात किया, इसलिए इसके लिए चिंता। तो सुना आपने, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साफ तौर पर कह रहे हैं कि एक वो दिन थे जब एक घटना पर रेल मंत्री इस्तीफा दे रहे थे, लेकिन आज वो दौर है कि 300 से ज़्यादा जाने चली गई है, बावजूद इसके केंद्र सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। सहयोगी राजेश के साथ कुमार गौतम, न्यूज 22 को पटना। झारखंड बिहार की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखिए न्यूज 22 को, अब जियो टीवी पर भी उपलब्ध, इसके अलावा तमाम बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। बिहार में सिटी केबल पर चैनल नंबर 232 पर देखें लेटेस्ट खबरें और डाउनलोड करें प्ले स्टोर से न्यूज 22 स्कोप ऐप।